नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे एस्कॉर्ट्स कुबोटा शेयर बाय टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमें किसी भी कंपनी की शेयर की टारगेट वैल्यू को निकालना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले कंपनी की जरूरी चीज़ों को देखना होगा। आने वाले 7 से 10 मिनट के अंदर दोस्तों आपको हर एक चीज़ का पता चल जाएगा। भाई, हमें कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, कंपनी लगातार अच्छा प्रॉफिट बना पा रही है, लगातार नुकसान में चल रही है, कंपनी में कोई बड़ा कर्ज तो नहीं रहा हुआ, क्या कंपनी पिछले साल 5 सालों में अच्छी परफॉर्मेंस दे पा रही है, क्या कंपनी के शेयर की वैल्यू आने वाले समय में बढ़ सकती है या घट सकती है। ठीक है, आपको हर एक चीज़ का पता चल सकेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी की प्रोफाइल। तो कंपनी की जर्नल चीज़ आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी। कंपनी का जो मार्केट कैप वैल्यू है वो 37,735 करोड़ का है और कंपनी मिड कैप पे काम कर रही है और कंपनी जो है ट्रैक्टर्स के सेक्टर में बड़े सेक्टर में काम कर रही है और जो कि इंडस्ट्रियल है। ठीक है, अभी हम सबसे पहले देखते हैं कंपनी के बारे में कुछ जानकारी कि कंपनी भाई कैसे क्या प्रॉफिट वगैरह बना पा रही है, उसके बाद हम कुछ जरूरी चीज़ों को देखेंगे। तो देखिए, कंपनी की जो शुरुआत है 1944 में हुई थी। उस समय में कंपनी सिर्फ एक सूक्ष्म एजेंसी के रूप में काम किया करती थी और समय के साथ आगे बढ़ते हुए कंपनी लगातार काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई, जिसके परिणामस्वरूप आज कंपनी का नाम भारत में इंजीनियरिंग कोग्लोमेरेट्स के सेक्टर में काम करने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हो चुका है। ठीक है, 2022 के साल में एस्कॉर्ट्स लिमिटेड और कुबोटा कॉरपोरेशन दोनों ने मिलकर लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की, जिससे कंपनी का नाम एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड के नाम से रखा गया। इसके अलावा ये भारत की एकमात्र पहली ऐसी कंपनी है जिसको इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बनाने के लिए बुडानी सर्टिफिकेशन दिया गया, जो कि एक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है कंपनी के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा भाई, कंपनी काफ़ी बड़े लेवल पर काम कर रही है और कंपनी को काफ़ी बड़ी संस्थाओं के द्वारा भी वेरीफाइड किया गया है। ठीक है, ये निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। अब हम कुछ ज़रूरी चीज़ों पर आते हैं और यहाँ पे कंपनी की कुछ और भी चीज़ें दी हुई है। कंपनी के रेवेन्यू सोर्स की बात करें तो कंपनी के द्वारा मल्टीपल सेक्टर में काम किया जाता है, जैसे भाई पावर ट्रैक्टर हो गया, फार्म ट्रैक्टर, कुबोटा ट्रैक्टर, एग्रीकल्चर सॉल्यूशन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, इंजन बिजनेस, स्पेयर पार्ट्स, लुब्रिकेंट्स, रेलवे इक्विपमेंट। ठीक है, मतलब कंपनी काफ़ी सारी चीज़ों में काम कर रही है, मल्टी सेक्टर में कंपनी काम कर रही है। अब हम देखते हैं सबसे पहले पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में बड़े बदलाव। तो देखिए, 13 मई 2019 को देखिए तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 560 रुपये के आसपास ट्रेडिंग किया करती थी और अगर 2024 में देखिए 5 सालों के बाद तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 3,553 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है और ये मैक्सिमम गई है 3,582 तक। तो देखिए, 560 रुपये पर ट्रेड करने वाली शेयर की वैल्यू 5 सालों के बाद 3,582 रुपये हो जाती है। तो कंपनी ने पिछले 5 सालों में 520% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है, जो कि एक अच्छा संकेत है कि और अच्छा रिटर्न भी कहा जा सकता है। यहाँ पे हमने एक व्हाइट बोर्ड को रखा है जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा भाई, कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है, इसलिए हमने इसको एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखते हैं भाई, कंपनी कितना क्या रेवेन्यू और प्रॉफिट बना पा रही है। तो पिछले 5 सालों में कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट, तो अगर 2019 में देखें तो कंपनी के द्वारा 6,361 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जाता था और 478 करोड़ की नेट इनकम बनाई जाती थी। और अगर 5 सालों के बाद 2023 में देखें तो कंपनी के द्वारा 8,709 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जा रहा है और नेट इनकम बन रही है कंपनी की 478 से बढ़ के ये हो गई है 636 और 6,000 से बढ़ के हो गया 8,000। यानी कंपनी जो है थोड़ा स्लो ही सही, पर लगातार फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग होती हुई देखी जा सकती है, जो कि ये भी एक अच्छा संकेत है। तो हमने इसको भी एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखते हैं पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। कंपनी की संपत्ति यानी जो कंपनी के एसेट्स होते हैं जिसकी मदद से कंपनी रेवेन्यू को बनाती है। तो अगर हम 2019 में देखें तो कंपनी के द्वारा 4,706 करोड़ का रेवेन्यू नहीं, कंपनी की जो संपत्ति थी 2019 में 4,706 करोड़ की संपत्ति थी कंपनी के पास। और अगर 5 साल बाद ही देखें 2023 में तो ये 4,709 करोड़ से बढ़ के हो गई है 10,084 करोड़, जो कि एक अच्छा संकेत है, क्योंकि कंपनी की जो संपत्ति है उसमें लगातार बढ़ोतरी होती हुई देखी जा सकती है। क्योंकि अगर कंपनी की संपत्ति में लगातार बढ़ोतरी हो रही है तो इससे कंपनी के रेवेन्यू सोर्स भी बढ़ सकेंगे, जो कि एक अच्छा संकेत है। हमने इसको यहाँ पर एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड, क्या कंपनी में निवेशकों को डिविडेंड का लाभ दे पा रही है नहीं। तो देखिए, कंपनी 2023 में डिविडेंड दिया, 22 में, 21 में 2 बार दिया और 20 में, मतलब कंपनी अपने निवेशकों को लगातार डिविडेंड दे रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। और यहाँ पे कंपनी के द्वारा दिए गए डिविडेंड को वैल्यू को भी आप देख सकते हो, तो इसको भी हमें एक प्लस पॉइंट देना पड़ेगा, क्योंकि अगर कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है तो ये कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर भी संकेत करते हैं। उसके बाद है शेयर होल्डिंग पैटर्न, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी ने खुद के शेयर की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की लगभग 67% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जिसमें से कंपनी ने इस होल्डिंग में से किसी भी होल्डिंग को बैंक में गिरवी नहीं रखा हुआ, जो कि 0% है। ये होल्डिंग पूरी तरह से कंपनी के पास रही हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है।
उसके बाद है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के द्वारा 7.87% की होल्डिंग है, जो कि एक अच्छा संकेत है। उसके बाद है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके द्वारा 1.89% की होल्डिंग, जो कि लगभग ये कम मात्रा में है, पर अभी के लिए हम इसको एक अच्छा संकेत मान सकते हैं। विदेशी इन्वेस्टर कंपनी में 5.85% की होल्डिंग है, ठीक है। देखिए इसमें विदेशी इन्वेस्टर कितनी अच्छी मात्रा में रहे हुए हैं। उसके बाद है रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर कंपनी में 16% की होल्डिंग रही हुई है, जो कि ये भी एक अच्छा संकेत माना जाता है। तो दोस्तों अगर ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। कंपनी में बड़े इन्वेस्टर भी अच्छी मात्रा में रहे हैं और कंपनी ने अपने शेयर को किसी भी प्रकार से गिरवी भी नहीं रखा है, तो इसको भी हम एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। तो देखिए हमने ओवरऑल सभी चीज़ों को देखा, और अगर हम प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट की बात करें तो इसमें हमें 5 प्लस पॉइंट देखने मिले, माइनस पॉइंट अभी तक एक भी देखने नहीं मिला, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। और इसके अलावा दोस्तों जैसे जैसे हमें अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।